दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से जरूर दबाइए। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला राजकोट में खेला जाना है। पहले T20 में करारी हार के बाद अब भारतीय टीम के लिए ये मैच करो या मरो जैसा होगा, तो ऐसे में किसी भी हालत में भारतीय टीम ये मुकाबला ज़रूर जीतना चाहेगी। इसके अलावा बांग्लादेश टीम की बात करें तो वो भी इस मुकाबले को जीतकर इस सीरीज़ पर कब्जा करना चाहेगी। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि इस मैच से पहले ही यहां पर भारतीय टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी आ गई है जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। जी हाँ, खुशखबरी की बात करें तो वो ये है कि जैसा कि हम सभी को पता है कि ये मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला जाना है और इस मैदान पर भारतीय टीम का पिछला रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। जी हाँ, इस मैदान पर खेले गए पिछले 5 T20 मैचों में से 4 मैच भारत के नाम रहे हैं, तो ऐसे में हालिया फॉर्म तो यहाँ पर भारतीय टीम के ही साथ है। अब दोस्तों यहाँ पर प्लेइंग 11 की बात करें तो ऋषभ पंत, कृणाल पांड्या और खलील अहमद को बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह पर संजू सैमसन, राहुल चहर और शार्दुल ठाकुर की वापसी होगी। दोस्तों अब यहाँ पर पूरी प्लेइंग 11 की बात करें तो उसमें होंगे रोहित शर्मा, शिखर धवन, संजू सैमसन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चहर, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर और युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों ये तो होगी भारतीय टीम की पूरी प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय टीम में जल्द ही महेंद्र सिंह धोनी की भी वापसी होने वाली है। जी हाँ, दरअसल पहला T20 हारने के बाद से ही क्रिकेट के हर दिग्गज का ये मानना है कि अब ऋषभ पंत को और मौके नहीं मिलने चाहिए और उनकी जगह पर महेंद्र सिंह धोनी को टीम में शामिल करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों अब खुद BCCI के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने ये कहा है कि इस मैच में पूरी भारतीय टीम ने ही गलतियाँ की हैं। पहले तो बल्लेबाजी में भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा स्लो खेली, इसके बाद गेंदबाजी में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा और फील्डिंग में भी कृणाल पांड्या ने एक कैच छोड़ा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खिलाड़ियों ने गलतियां की जिसकी वजह से हम ये मैच हारे। गांगुली ने आगे कहा कि पंत को ज़रूरत से ज़्यादा मौके मिल चुके हैं लेकिन वो अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीख पा रहे हैं और बार बार गलतियों को दोहरा रहे हैं। पंत के अलावा कई खिलाड़ी भारतीय टीम में जगह बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंत को इतने मौके दिए जा रहे हैं फिर भी वो लगातार गलतियां करते जा रहे हैं। इस मैच में भी हमने देखा कि किस तरह उन्होंने बल्लेबाजी में तो कुछ खास कमाल नहीं किया, इसके अलावा विकेट कीपिंग में भी उन्होंने ख़राब रिव्यू लिया और उसके अलावा भी उनकी विकेट कीपिंग काफ़ी ख़राब रही, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी उन्हें और सीखने की ज़रूरत है, इसीलिए अब अगले मैच में उन्हें मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों आखिर में गांगुली ने ये भी कहा कि जैसे ही अब महेंद्र सिंह धोनी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं वैसे ही उन्हें टीम में वापस लाया जाएगा। तो दोस्तों गांगुली के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि अब ऋषभ पंत को और मौके नहीं मिलने वाले हैं, इसके अलावा अब जल्द ही महेंद्र सिंह धोनी की टीम में वापसी होने वाली है। अब देखते हैं कि ऐसा कब तक होता है। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को और मौके मिलने चाहिए या नहीं, जल्दी से जल्दी हमें नीचे कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अभी इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का जो बेल आइकन है उसे भी ध्यान से ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोज़ डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हंसते रहिए, बाय बाय।